हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लॉगरिथम का यूज करके किसी कैलकुलेशन को कैसे आसानी से करेंगे इसके बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लॉगरिथम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद लॉग टेबल का यूज करेंगे और लॉग टेबल के आधार पर हम लोग कैलकुलेशन को आसानी से करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले लॉगरिथम का जो डेफिनेशन है, कैसे डिफाइन किया गया है उसके बारे में देखते हैं। इफ ए एक्स एन be three numbers such that a to the power x is equal to n। हम लोग तीन नंबर ले रहे हैं a, x और n, और ऐसा ले रहे हैं कि a का पावर x करने पर n आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, a यहां पर पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, नॉन यूनिटी होना चाहिए और n भी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। तो देन ए जो पावर एक्स है, इंडेक्स जो एक्स है, दिस इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ एन टू द बेस ए। देन एक्स इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ एन टू बेस ए। अगर ए का पावर एक्स इक्वल टू एन है तो इस पावर को कहते हैं, इंडेक्स को कहते हैं लॉगरिथम ऑफ एन टू द बेस ए। दैट मींस ए टू द पावर एक्स इक्वल टू अगर एन है तो हम लोग लिख सकते हैं लॉग एन टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स। अब जैसे एग्जांपल देखिए, हम लोग तीन नंबर ले रहे हैं 2, 3 और 8। ऐसा ले रहे हैं कि 2 to the power 3 करने पर कितना आ रहा है 8। तो इस पावर को कहेंगे लॉगरिथम, और किसका लॉगरिथम कहेंगे 8 का, ये 8 का लॉगरिथम कहेंगे इस पावर को। तो 8 का लॉगरिथम हो गया 3 और बेस होगा 2। जैसे 10 का पावर 2 करने पर अगर 100 होता है तो इसका मतलब हो गया कि 100 का लॉगरिथम 2 हो जाएगा। लॉगरिथम ऑफ 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। इस 100 का लॉगरिथम 2 होगा, टू द बेस 10 रहेगा। जैसे आप 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1000 होता है, तो आप इसको देखिए, लॉगरिथम ऑफ 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3। तो ये जो 1000 है उसका लॉगरिथम 3 हो जाएगा और टू द बेस 10 होगा। तो ये लॉगरिथम का डेफिनेशन हुआ। अब हम लोग यहां पर क्या करते हैं, कुछ लॉज देखते हैं, रूल्स है लॉगरिथम का, उसको देखते हैं। सबसे पहले आप याद रखिएगा, 1 का लॉगरिथम चाहे बेस कोई भी क्यों ना हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा बेस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, नॉन यूनिटी होता है। तो 1 का लॉगरिथम जो होता है वो 0 होता है। तो एक ये लॉज हो गया। दूसरा रूल है कि लॉगरिथम ऑफ ए टू द बेस ए इज इक्वल टू 1। अगर ए नंबर में भी है और बेस भी अगर ये है, दोनों सेम है नंबर और बेस, तो उसका लॉगरिथम 1 होगा। और तीसरा है प्रोडक्ट रूल, जिसको कहते हैं लॉग एम टू द बेस ए इंटू एन है, एम इंटू एन टू द बेस ए इज इक्वल टू होता है लॉग एम टू द बेस ए प्लस लॉग एन टू द बेस ए। तो आप देखिएगा यहां पर ये दोनों नंबर प्रोडक्ट में था तो दोनों में लॉगरिथम लग गया और बीच में प्लस हो गया। इस रूल का भी हम लोग काफी यूज करते हैं और यही कॉमन चीज है लॉगरिथम में। मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो एडिशन में बदल जाता है, तो इससे किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करना ज़्यादा डिफिकल्ट है एडिशन के कंपेयर में, तो ऐड करना ज़्यादा आसान होता है। तो इसीलिए लॉगरिथम टेबल का यूज करने से यही फायदा होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो एडिशन में बदल जाता है। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल, लॉग 2 into 3 टू द बेस 10 है, तो आप इसको लिख सकते हैं लॉग 2 to the base 10 प्लस लॉग 3 to the base 10 इस रूल से। अब फोर्थ रूल है लॉग एम डिवाइडेड बाय एन टू द बेस ए इज इक्वल टू लॉग एम टू द बेस ए माइनस लॉग एन टू द बेस ए। डिवाइड में अगर रहे तो डिफरेंस में बदल जाता है, दो नंबर का डिवाइड का लॉगरिथम जो होता है लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाता है। तो डिवाइड करने से ज्यादा आसान होता है सब्ट्रैक्ट करना, तो ये भी एक बेसिक चीज है यहां पर। अब इसका एग्जांपल आप देखिए, मान लीजिए लॉग 2 बाय 5 टू द बेस 10 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं,
log 2 to the base 10 माइनस log 5 टू द बेस 10। और फिफ्थ में जो आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगा, आप log m टू द पावर n टू द बेस अगर a रहे तो ये n जो पावर है ये पावर यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाता है, n इंटू log m टू द बेस a हो जाता है। तो ये भी एक रूल है, आप इस रूल का कुछ एग्जांपल देखिए। जैसे मान लीजिए log 100 है टू द बेस 10 है, 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10 स्क्वायर टू द बेस 10, ये पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा फिफ्थ रूल से, तो पावर 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया log 10 टू द बेस 10। और शुरू में मैं बताया हूँ कि नंबर और बेस सेम रहने पर लॉगरिथम का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर ये नंबर और बेस सेम है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी कि ये 2 हो गया। अब मान लीजिए log 1000 का वैल्यू निकालते हैं टू द बेस 10, तो 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 10 क्यूब टू द बेस 10, तो ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 log 10 टू द बेस 10 हो गया। और नंबर और बेस सेम रहने पर वैल्यू 1 होता है, तो 3 इंटू 1 यानी कि 3। तो 100 का लॉगरिथम 2 और 1000 का लॉगरिथम 3। तो आप देखिए 100 का लॉगरिथम 2 है और 1000 का लॉगरिथम 3 है, इसके बीच अगर कोई नंबर रखते हैं तो उसका लॉगरिथम का वैल्यू भी इसके बीच में होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लोग बेस 10 यूज कर रहे हैं, तो लॉग अगर मान लीजिए 500 का वैल्यू निकाले तो इसका जो वैल्यू है वो 2 से ज़्यादा होगा और 3 से कम होगा, तो समथिंग 2 point something कुछ होगा, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिए, अभी हम लोग को पता नहीं कौन सा नंबर आएगा, लेकिन 500 का लॉगरिथम 2 से ज़्यादा और 3 से कम होगा। तो किसी भी नंबर का जब लॉगरिथम हम लोग लेते हैं जिसका बेस 10 है, ध्यान दीजिएगा दो तरह का बेस होता है जो हम लोग यूज करते हैं, ऐसे तो बेस कोई भी यूज कर सकते हैं लेकिन दो कॉमन चीज है, एक अगर बेस 10 रहे तो उसको हम लोग कहते हैं कॉमन लॉगरिथम, और अगर बेस ई रहे तो इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम। तो दो बेसिक लॉगरिथम है, और इसके अलावा हम लोग कोई भी बेस रख सकते हैं, बेस जो होता है वो पॉजिटिव और नॉन यूनिटी होता है, लेकिन अगर 10 रखेंगे तो उसको कॉमन लॉगरिथम, और लॉग टेबल जो यूज किया गया उसमें यही बेस 10 रख करके लॉग टेबल बनाया गया है, और अगर बेस ई रहे तो उसको नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। तो हम लोग टेबल का यूज करेंगे तो उसमें बेस 10 होता है। तो 500 का लॉगरिथम मैं बात कर रहा था कि 2 और 3 के बीच में होगा, तो 2 point something एक्स वाई जेड कुछ भी होगा। तो देखिए किसी भी नंबर का जो लॉगरिथम होता है वो दो पार्ट से मिलकर के बना हुआ होता है, एक होता है डेसिमल पॉइंट के पहले वाला पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और दूसरा होता है डेसिमल पॉइंट के साथ जो नंबर है वो, इसको हम लोग कहते हैं मेंटिसा। तो दो चीज होता है यहां पर, एक कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा मेंटिसा, किसी नंबर का लॉगरिथम में एक कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। तो हम लोग किसी भी नंबर का जब लॉगरिथम निकालेंगे तो दो चीज निकालना पड़ेगा, एक कैरेक्टरिस्टिक निकालना पड़ेगा और एक मेंटिसा निकालना पड़ेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये नंबर से ही पता चल जाता है कि उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, और मेंटिसा के लिए लॉग टेबल देखना पड़ता है कि लॉग टेबल से देख करके इसका लिखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं किसी नंबर का लॉगरिथम कैसे देखते हैं। आप ध्यान दीजिएगा जो नंबर लॉगरिथम हम लोग निकालते हैं तो लॉगरिथम जो निकालते हैं वो पॉजिटिव नंबर का ही सिर्फ निकालते हैं, एन जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो यहां पर आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए दो केस है, अगर नंबर 1 से बड़ा हो तो अलग तरीका होता है, और अगर नंबर 0 और 1 के बीच में हो तो उसका कैरेक्टरिस्टिक निकालने का तरीका अलग होता है। तो नंबर अगर 1 से बड़ा रहे, ग्रेटर देन 1 रहे, तो कैसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। मान लीजिए एन इक्वल टू है 235.7, ये नंबर 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन 1 है, तो आप डेसिमल पॉइंट के पहले कितना डिजिट है उसको काउंट कर लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे डेसिमल पॉइंट के पहले कितना डिजिट है, तो यहां पर 3 डिजिट्स है तो उसमें से हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यही कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। यानी इस नंबर का लॉगरिथम जब निकालेंगे तो उसका कैरेक्टरिस्टिक 2 होगा। मान लीजिए नंबर ऐसा है, नंबर है 20 मान लेते हैं, तो आप देखिए डेसिमल पॉइंट है क्या, डेसिमल पॉइंट नहीं लिखा हुआ, मतलब डेसिमल पॉइंट लास्ट में है,
तो लास्ट में यानी कि ये 0.00 आप कुछ भी दे सकते हैं इधर 0.00, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकलेगा? डेसिमल पॉइंट के पहले कितना डिजिट है उसको काउंट कर लीजिए। यहाँ पर दो डिजिट है तो ये दो लिख दीजिए, टू लिख दीजिए और उसमें वन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वन सब्ट्रैक्ट करना है, तो यही इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। मान लीजिए नंबर ऐसा है, नंबर 25786.706 है, इस नंबर में डेसिमल पॉइंट यहाँ है तो इसके पहले फोर डिजिट्स है, तो कैरेक्टरिस्टिक इसका हो जाएगा नंबर ऑफ डिजिट्स माइनस वन, इट इज इक्वल टू थ्री, यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक थ्री हो गया। मान लीजिए नंबर आपका सिर्फ फाइव है, तो फाइव है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? डेसिमल पॉइंट यहां है लास्ट में, तो इसके पहले कितना डिजिट है? वन, तो वन माइनस वन, नंबर ऑफ डिजिट्स माइनस वन, इट इज इक्वल टू जीरो, यानी इस नंबर का जब लॉगरिथम देखेंगे तो उसका कैरेक्टरिस्टिक जीरो होगा। दूसरा केस होता है जो नंबर, सेकेंड केस है कैरेक्टरिस्टिक निकालने का, नंबर अगर जीरो और वन के बीच में है तो कैसे कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए नंबर आप ये लीजिए 0.00278, नंबर जीरो और वन के बीच में जरूर ये डेसिमल पॉइंट से स्टार्ट होगा। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक निकालने का तरीका होता है, कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर, फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर कहते हैं फर्स्ट नॉन जीरो नंबर, तो यहां से आप डेसिमल पॉइंट से चलना शुरू कीजिए। जो पहला नॉन जीरो नंबर मिलेगा तो डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो के बीच जितना जीरो है उसको काउंट कर लीजिए, यहाँ टू जीरो है उसमें से वन ऐड कर दीजिए और उसका नेगेटिव ले लीजिए, यही कैरेक्टरिस्टिक होगा, यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा? माइनस थ्री। यानी नंबर अगर वन से स्मॉलर है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होता है, और नंबर अगर वन से ग्रेटर है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होता है। मान लीजिए नंबर ये है 0.02708, तो आपको काउंट करना है कौन सा जीरो? डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो के बीच जितना जीरो है उसको काउंट करना है, इसको नहीं देखना है। तो डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो के बीच एक ही जीरो है, सिंगल जीरो है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, काउंट कीजिए नंबर ऑफ जीरो, उसमें वन ऐड कीजिए, उसका नेगेटिव लीजिए, तो यानी कि इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया माइनस टू। हम लोग नंबर ले रहे हैं 0.782, n इक्वल टू 0.782। आप इसमें देखिए डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो नंबर यही है, उसके बीच कितना जीरो है? नंबर ऑफ जीरो जीरो है, एक भी जीरो नहीं है, तो नंबर ऑफ जीरो जीरो है, उसमें वन ऐड करेंगे, उसका नेगेटिव ले लेंगे, तो यही इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक। अब हम लोग देखते हैं मेंटिसा कैसे निकालते हैं। तो मेंटिसा के लिए आप आइए किसी नंबर का लॉगरिथम हम लोग देखते हैं। मान लीजिए 6025 है, मान लीजिए इस नंबर का आपको लॉगरिथम निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं, बेस नहीं लिखा मतलब बेस 10 है, तो कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं, ये नंबर वन से बड़ा है तो इसमें हम लोग नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं कि कितना डिजिट है डेसिमल पॉइंट के पहले। तो डेसिमल पॉइंट के पहले 1, 2, 3, 4 डिजिट्स है, तो 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 हो गया। अब मेंटिसा के लिए हम लोग लॉग टेबल देखते हैं, तो लॉग टेबल जो देखा जाता है वो सिर्फ 4 डिजिट्स ही होना चाहिए, शुरू से स्टार्टिंग से 4 डिजिट्स आप ले लीजिए, तो 4 डिजिट ही यहां पर मैं लिया हूं, ऐसे ज्यादा भी रहे तो आप बाकी को छोड़ दीजिए, स्टार्टिंग से 4 डिजिट्स लीजिए। अब इसको शुरू से 2 डिजिट लीजिए 60, अब 60 का 2 में आप टेबल देखिएगा, तो टेबल आप देखिए लॉगरिथम टेबल मैं दिखा रहा हूं, लॉगरिथम टेबल कैसे है, लॉग टेबल आप देखिए, लॉग टेबल जो होता है वो आपका यहां पर शुरू में जो नंबर होता है वो आपका 10 से स्टार्ट होकर के 99 तक होगा। जैसे यहां पर इस टेबल में 55 से है, 55 से आप अगर जाइएगा तो 55 से लेकर के ये आपका 99 तक है, लेकिन आप दूसरे टेबल में वो 10 से लेकर के और 54 तक उस टेबल में होगा। तो यहाँ पर 2 डिजिट का नंबर है 55 से 10 से स्टार्ट होकर के 99 तक, इधर इस रो में 0 से लेकर के 9 तक नंबर मिलेगा, और यहाँ पर मीन डिफरेंस होता है, इस टेबल में प्रोपोर्शनल पार्ट्स लिखा हुआ है, किसी टेबल में मीन डिफरेंस लिखा हुआ रहता है 1 से 9 तक है ये। तो आप देखिए
हम लोग को देखना है 60 का 2 में देखना है। तो 60 का 2 में आप देखिए, 60 का 2 में 60 के सामने आइए और 2 के नीचे आइए तो 7796 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 7796 लिख लेंगे। देखिए आप 60 का 2 में आप देख रहे हैं कि 7796 था, और इसका 60 का 5 में मीन डिफरेंस देखिए। तो मीन डिफरेंस मैं लॉग टेबल में दिखाना चाहूंगा, मीन डिफरेंस क्या है लॉग टेबल में। 60 का 5 में मीन डिफरेंस आप देखिए, 5 के नीचे आइए तो 5 के नीचे मीन डिफरेंस 4 है। तो आप यहां पर फिर पेज में देखिए तो मीन डिफरेंस 4 था, वो मैं 4 लिख लिया। दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 6 4 10, ये भी 10, यहां पर 8 और ये 7। तो ये 7800 ये आपका मिंटिसा हो गया। तो इस नंबर का लॉगरिथम यही हो गया, 3.7800। अब मान लीजिए देखना चाहते हैं 60.25 का लॉगरिथम। तो 60.25 का लॉगरिथम देखना चाहते हैं तो ये नंबर 1 से बड़ा है। सबसे पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि ये नंबर 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन 1 है। तो डेसिमल पॉइंट के पहले कितना डिजिट है वो काउंट कर लीजिए, 2 डिजिट है उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचा, ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया। और मिंटिसा के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग करते हैं शुरू से और 4 डिजिट लेते हैं। तो आप देखिएगा 6025 है, डेसिमल जहां भी है उसको छोड़ दीजिए, नॉन जीरो नंबर से स्टार्ट करना है और 4 डिजिट लेना है। अब इसका हम लोग 60 का 2 में देखेंगे, तो मैं अभी देखा था 60 का 2 में इतना था, और फिर 5 में मीन डिफरेंस देखेंगे तो वो भी मैं देखा था। तो ये दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो इसका भी मिंटिसा 7800 ही हो गया, क्योंकि एक्चुअली नंबर वही है जो पहले था, सिर्फ डेसिमल पॉइंट का अंतर है। तो डेसिमल पॉइंट का पोजीशन अगर अलग अलग जगह है तो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा, बल्कि मिंटिसा जो है वो सेम होगा। मैं एक नंबर ले रहा हूं लॉगरिथम ऑफ 0.006527, इस नंबर का लॉगरिथम निकालना। मान लीजिए और भी नंबर है, 84 है। तो इस नंबर का लॉगरिथम निकालने के लिए सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। तो ये जो नंबर है वो स्मॉलर देन 1 है, 1 से छोटा नंबर है। तो 1 से छोटा नंबर का कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं, डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो के बीच जीरो की संख्या गिन लेते हैं, जीरो की संख्या यहाँ पर 2 है, उसमें से 1 ऐड करते हैं और उसका नेगेटिव लेते हैं तो ये -3 हो गया। -3 यहाँ पर माइनस नहीं लिखा जाता है, हम लोग माइनस यहाँ लिखते हैं, 3 बार लिख रहे हैं। और मिंटिसा देखने के लिए नॉन जीरो नंबर से स्टार्ट करना है, तो नॉन जीरो नंबर 6 है तो 6 से स्टार्ट करेंगे, 6527, ये यहां से स्टार्ट करते हुए 4 डिजिट लिख लेना है। अब 4 डिजिट में 65 का 2 में देखना है और फिर मीन डिफरेंस 7 में देखना है। तो आप लॉग टेबल में आइए, 65 का आप 2 में देखेंगे हम लोग, तो 65 का 2 में आप चेक कीजिए, 65 के सामने 2 के नीचे कितना है, 8142, और मीन डिफरेंस हम लोग को 7 में देखना है। तो 65 का ही मीन डिफरेंस 7 में देखेंगे, तो 7 में 7 के नीचे 5 है, तो कौन सा नंबर आया इसका, 65 का 2 में 8142 और मीन डिफरेंस 5 है। तो यहां पर आप देखिए 8142 था और मीन डिफरेंस 5 था, ये आप दोनों को ऐड कर लीजिए तो 7418 8147, इसका मिंटिसा हो गया 8147। तो इस नंबर का लॉगरिथम यही हो गया। और भी मैं कुछ नंबर का लॉगरिथम बता रहा हूं, जैसे आप मान लीजिए 25 का लॉगरिथम देखना है, तो 25 का लॉगरिथम के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक देखिए, ये नंबर 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ी संख्या के लिए नंबर ऑफ डिजिट्स गिनते हैं, डेसिमल पॉइंट के पहले, तो डेसिमल पॉइंट के पहले 2 डिजिट है तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बचा 1, तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक। और मिंटिसा के लिए हम लोग शुरू से 4 डिजिट लेंगे, तो शुरू से 4 डिजिट तो नहीं है, यहाँ 2 ही डिजिट्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 जीरो बैठा दीजिए या 0 1 ही बैठाइए, इसको बैठाने की जरूरत नहीं है।
तो 25 का हम लोग जीरो में देखेंगे। तो लॉग टेबल में हम लोग आते हैं, तो 25 का जीरो में आप देखिए 25 का जीरो में कितना है, यहां पर आप देख रहे हैं 25 है और इसका जीरो में देखेंगे तो जीरो में 3979 है। मीन डिफरेंस नहीं देखना है। अब यहां पर देखिए आप 25 का जीरो में मीन डिफरेंस नहीं देखना है, 25 का जीरो में कितना था, 3979 था। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया, मेंटिसा हो गया 3979। तो इस नंबर का लॉगरिथम ये हो गया। तो आज हम लोग देखें कि किसी नंबर का लॉगरिथम कैसे निकालते हैं और लॉगरिथम का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे हैं। मैं अगले वीडियो में फिर बताऊंगा कि एंटी लॉग कैसे देखते हैं और कि उसका यूज करके लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल का यूज करके किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को हम लोग कैसे आसानी से करते हैं। तो आप नेक्स्ट वीडियो मेरा जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।